तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल में को मैंने कास्ट किया है। ये देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल को कास्ट किया है अपनी टीवी में। ये देख सकते हैं यानी कि मैं अपनी टीवी, अपने मोबाइल के सारे वीडियोज को अपनी टीवी में देख सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, सेम चीज़ चल रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखें आप, ये देखें आप, ठीक है। तो अब दोस्तों आप अपने मोबाइल के सारे फीचर्स, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं और अपनी टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं और डाटा आप चाहते हैं कि मेरा जितना डाटा ख़त्म होता है मोबाइल में उतना ही डाटा उसमें भी ख़त्म हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए मेरा ये YouTube का वीडियो है, मेरा खुद का वीडियो है, ये देख सकते हैं आप लोग मोबाइल में मेरे, ये मेरा खुद का वीडियो है। और मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये चलने लगेगा और बस आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का रोटेशन ऑन करना होगा और ये फुल स्क्रीन में चलने लगेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा भगा भी सकता हूँ। ये देख सकते हैं सेम चीज़ हमारे मोबाइल के ज़रिए ये चल रहा है मेरी टीवी में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए सेम चीज़ चल रहा है मेरी ये टीवी में। और ये देख सकते हैं आप लोग सेम चीज़ चल रहा है। अब दोस्तों ये कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दूसरी भी वीडियो देख लीजिए दोस्तों। अब इसको क्या करना, मोबाइल को आप ऐसे कर देंगे रोटेट, ये फुल स्क्रीन यहाँ से करके बस ये हो जाएगा। ये देखिए आप लोग, तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारी वीडियो, अलग अलग तरह की वीडियोज को आप देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो अब दोस्तों कैसे देखेंगे पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये पूरा कास्ट हो चुका है, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं आइकन, ये ऊपर, ये देखिए यहाँ से हम चाहें तो इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी स्टॉप नहीं करेंगे हम, अभी आपको कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा यूट्यूब का दिख रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप है, ठीक है। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा चालू करना चाहता हूँ। ये देखिए कैमरा भी मैंने चालू किया है, ये देख सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उसके बाद से ये देखिए टिकटॉक है, टिकटॉक भी हम चला लेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं टिकटॉक। अब यहाँ पे स्किप करते हैं, चलने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो जैसा चलाना होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो हम फटाफट बता देते हैं कि कैसे ये चलता है, क्या करना होता है। तो दोस्तों हम आपको यहीं पर दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, जो है ये मिरर कास्ट, ये देख सकते हैं मिरर कास्ट है, ठीक है। हम यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, इस पर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो खैर मिरर कास्ट आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद से दोस्तों मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ये देखिए कैंसिल कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है मिरर कास्ट, ये भी एप्लीकेशन मेरे एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में इंस्टॉल है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है कुछ इस प्रकार का, ये देख सकते हैं लाइट नहीं मैंने जलाया है, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, कोई सा भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, तो आप ये देखिए अगर आपके पास ऐसा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है तो दोस्तों आप बड़े ही आराम से इसमें मिरर कास्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे बगल में, ये बगल में रखा हुआ है मेरे पास एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, इसी को मैं चला रहा हूँ। ये रहा रिमोट, ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको कनेक्ट कैसे करें, तो सबसे पहले मोबाइल में समझ लेते हैं दोस्तों। मोबाइल में हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, और इसका ये मॉडल नंबर आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये थोड़ी देर सर्चिंग करेगा, थोड़ा हम इधर से भी सर्चिंग करा लेते हैं, कभी कभी होता है। ये देखिए इसको हम फॉरगेट दिस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्च कराते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये थोड़ी देर सर्च करेगा। ये देखिए आ चुका है मेरे पास AS95, इसे ओके करेंगे हम, ओके करेंगे और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आया है। तो खैर मैंने माउस भी लगा रखा है, थोड़ा इजी होता है माउस से। ये देखिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, टीवी में
मैंने एक्सेप्ट किया है, एंड्रॉयड बॉक्स के जरिए ये कनेक्ट हुआ है। देखिए कनेक्टेड हो गया है, अब देखिए आ गया, जो मेरा यहाँ पे है वो चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब इस पर मैं कुछ भी देख सकता हूँ, चला सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं देख सकता हूँ, और पूरी डिटेल कोई भी फ़ोटो हो उसको मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे मैं फोकस कर रहा हूँ, यूट्यूब में ओपन कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, अब वो मान लो बाबू बाबू, ये देखिए ये कोई गाना है। ठीक है, मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ठीक, मोबाइल में भी वही चीज़ चलेगा, और उसके बाद आपकी टीवी में भी, अगर आपको डाटा की प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा परेशान है कि आपके पास डाटा ज़्यादा खर्च होगा, तो आप इस तरह से आप अपना जुगाड़ कर सकते हो, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ख़रीद सकते हो। हर एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में ये सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये चल रहा है मेरा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो इतना फर्स्ट क्लास एकदम क्लियर सब कुछ चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो दोस्तों है ना मज़ेदार। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद से कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, कोई भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हो, उसमें आप लगा सकते हो, कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हो उसमें आप कर सकते हो। आप अपने सेटअप बॉक्स में भी कर सकते हो, मिरर कास्ट, इसे मिरर कास्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो बड़े ही आराम से, और ये देख सकते हैं आप लोग। तो पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है दोस्तों, कैसे इसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। अब बाकी यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे हम, ये देखिए आपका ऐसे भी हो जाएगा, जब आप ऐसे मोबाइल पकड़ोगे तो ऐसे भी आपका आने लगेगा। ये देख सकते हैं पूरी डिटेल, मैं इसमें ही देख के मैं कुछ प्ले करता हूँ। ये देखिए गाना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी चीज़ आपको मैंने इसमें दिखा दी है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में। ऐसी दिलचस्प और रोचक वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में।